अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑक्सटेल या गाय की दुम के सूप। और ये मैंने 2 पाउंड ऑक्सटेल ली है। आप चाहें तो आप रेगुलर हड्डी भी ले सकते हैं, इसलिए कि मैं जेलेटिन चाह रही हूँ कि इसमें से निकले, इसलिए कि मेरे बच्चे के हाथ में बहुत चोट आ गई है। इंशाल्लाह उसको फ़ायदेमंद होगा और इसकी जल्दी हीलिंग होगी। इसमें जो जेलेटिन होता है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। यहाँ मैंने 6 कप पानी चढ़ाए हड्डियाँ उबालने के लिए। इसको मैं अब 5 to 10 मिनट्स के लिए बॉयल करूँगी। इसके बाद अब जो झाग आ रहा है वो सब मैं निकाल दूँगी तो और क्लियर ब्रॉथ बने। आप इसको जितना साफ़ कर लेंगे, जितना बॉयल कर लेंगे उतना ही क्लियर ब्रॉथ बनेगा। ये हड्डियाँ उबल चुकी हैं अभी, मगर ये बनी नहीं है। इनको 2-4 घंटे लगेंगे। जितना देर आप पकाएंगे मीडियम टू लो हीट पे उतने ही उसमें अरक निकलेगा हड्डियों में से। और मैं इंस्टापॉट में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। आप चाहें तो आप इसको चूल्हे पे भी आराम से बना सकते हैं, बस इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, या आप प्रेशर कुकर में भी चढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी और स्पाइसेस और सीजनिंग्स। ये मैंने होल मीडियम अनियन ली है, इसका मैंने एक लेयर छिलका छीला है और मैंने इसके एंड्स नहीं काटे हैं। ये मैं फुल ऐसे ही डाल दूंगी। इसी तरह इसमें जाएगा 3 पीस गार्लिक और 2 पीस जिंजर और 4 लौंग, बे लीफ, एक बादियान और एक छोटा सा नटमेग का पीस। और उसमें मैं डालूंगी 2 ड्राई चिली और 10 से 12 ब्लैक पेपर्स। और मैं ये डाल रही हूँ 2 टीस्पून सॉल्ट, इससे कि एंड में हम और सीजनिंग करेंगे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है हरी प्याज और मशरूम और स्पिनच। आप चाहें तो आप कोई सी भी अपनी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवीनेस होगा ना सूप में तो ये इसको कट कर देगी और थोड़ा सा क्रंच भी लाएगी। और इसमें मैं बीन स्प्राउट्स भी डालूंगी, ये भी बहुत अच्छी और क्रंची होती हैं, आपको कोई सी चाइनीज़ दुकान में मिल सकती हैं। मेरा बोन ब्रॉथ रेडी है और अब मैं इसमें राइस नूडल्स उबाल रही हूँ। हाँ, इसको हाई हीट पे उबालना है फॉर 5 मिनट्स। और जब ये उबल जाएगा 5 मिनट्स के लिए मैं इसको ठंडे पानी से रिंस कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो आप रेगुलर स्पगेरी और पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। चलने इसका प्रेशर रिलीज हो गया, मैं इसको खोलती हूँ। इसका बिल्कुल क्लियर ब्रॉथ है, जो बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हमने हड्डी उबाली निकाली थी तो इस तरह का क्लियर ब्रॉथ आता है। और ये रेडी है और मैं आपको बोटियाँ भी दिखा देती हूँ। देखें, गोश्त बिल्कुल अच्छा सा गला हुआ इसमें। चलें अब इसकी अब हम असेंबली शुरू करते हैं। अब यहाँ मैं राइस नूडल्स डाल रही हूँ, ये ठंडे हैं इसलिए कि हमने ठंडे पानी से इसको धोए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स, बीन स्प्राउट्स और स्पिनच। और मैं इसमें डालूँगी हरी प्याज और हरी मिर्च। आप इसी तरह अपने और भी बोल्स असेंबल कर सकते हैं तो सर्विस टाइम में आसानी हो। ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ये काफ़ी सॉल्टी होता है इसीलिए, इस वजह से मैंने ब्रॉथ में नमक कम डाला था, तो लोग अपने हिसाब से सीजनिंग कर लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट सॉस, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 पीस ऑफ बीफ निकाल के। अब ये मेरा बोल रेडी है और अब जब मुझे सर्व करना होगा इसके ऊपर मैं डालूँगी गरम गरम ब्रॉथ। और मैं इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करूँगी फॉर फ्रेशनेस और थोड़ी सी तली प्याज। ये रेडी टू सर्व है, बहुत ही मज़ेदार और आसान। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और फ़ायदेमंद भी होगा। आप भी बनाइए और बताइएगा कैसा लगा। अच्छा है, बहुत मज़े का।
Please do like, share, and subscribe to the channel and stay connected. Until next time, Allah Hafiz.